गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हर्षिता सुबह बेड से उठते ही शुरू हो गया बिना ब्रश के कलर करना। उसके लिए इस तरीके का ड्राइंग बुक 2-3 लेकर आए थे, सोचा समर वेकेशन में काम आ जाएंगे। सो यही काम आ रहा है उसको। अभी पेंटिंग का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। सो सुबह उठ के और बाहर बारिश आ रहा है, इसीलिए हर्षिता ने अम्ब्रेला खोल के रख दिया ताकि वो भीग ना जाए। और इधर मैं नाश्ता पानी रेडी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी घर का काम भी करना है और मुझे जाना है अभी अस्पताल थोड़े टाइम में। सो जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि डॉक्टर ने खाना खा के जाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि 11 बजे के बाद कुछ खाना पीना बंद है। और आप देख सकते हो अस्पताल जाएंगे तो हर्षिता मम्मी के साथ ही रहेंगे और उसका मन इतना उदास है, इतना कि मेरे पास नहीं आ रहा है। वो समझ गया था क्योंकि कुछ दिन ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा था, उसके छोर जा रही थी। और इधर मौसम देख सकते हो कितना ख़राब है। गुड मॉर्निंग। सो ये 10 जुलाई का ब्लॉग है और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर में मुझे जाना है अस्पताल। और पहले बता देती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को शायद शेयर किया था मैंने 2 साल पहले, इतना जो दो महीने तक पीरियड्स चल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। उस टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड किया था तब 7 point something mm का गोल्ड ब्लडर स्टोन था। फिर मैंने पूछा था डॉक्टर से कि मेडिसिन से भी तो जाते हैं, तो फिर उन्होंने बोला मेडिसिन से जाते हैं वो अगर किडनी में हो या दूसरे कहीं में हो। गोल्ड ब्लडर का जो भी स्टोन है वो कोई भी मेडिसिन इसका नहीं, कुछ नहीं कर सकता। और अगर मेडिसिन से जाता भी है ना, मतलब थोड़ा सा निकल आने की कोशिश भी करता है या फिर टूट भी जाता है, तो आपका जो नल होता है ना उसमें ब्लॉक कर देंगे, तो उसमें किसी इंसान का मौत भी हो सकता है। तो या ठीक है, फिर उन्होंने बोला जब आप रेडी हो तब सर्जरी हम कर सकते हैं। सो 2 साल पहले हर्षिता का एज था शायद 28 साल, वो जब 28 साल की एज में था तभी हमें पता चला था। और आपको पता ही है, मैं ब्लॉग में शेयर कर ही चुकी हूँ, हर्षिता खाने पीने में कितना मतलब दिक्कत करते हैं, मैं कितना रोती हूँ उसकी वजह से। और वो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसको संभाले, हस्बैंड को भी टाइम नहीं है। सो सब कुछ मुझे करना पड़ता है, अकेले ही करना पड़ेगा। सो इस वजह से मैंने अवॉइड किया था। और 1 साल तो हस्बैंड को भी टाइम नहीं था, उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था। सो सोचा था, अभी प्लानिंग किया था कि इस टाइम पे करेंगे, समर वेकेशन पे करेंगे। और सो उसी के लिए हमने डॉक्टर से मिले थे और उनसे अपॉइंटमेंट लिए थे। सो आज का डेट कर दिया था, सारा ब्लड टेस्ट वगैरह हो चुका है, अभी मुझे जाना है। सो इसलिए आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बाद में अगर सब लोग क्वेश्चन करोगे क्या हुआ सीज क्या होता है टेक केयर सब कुछ, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते रहता है ना, तो उसके लिए मैं पहले ही इधर ही कॉमेंट्स का शायद रिप्लाई नहीं कर पाती, इतना सारा हो जाता है। सो पहले बोल देती हूँ। और गोल्ड ब्लडर के साथ डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि क्योंकि मुझे पीसीओडी के प्रॉब्लम है, तो उन्होंने पीसीओडी को थोड़ा सा और एक मतलब लेप्रोस्कोपी के द्वारा होंगे और एक मतलब क्या बोलते हैं सेट करेंगे, सो पीसीओडी को मतलब खोद देंगे, जो बोलता है सिस्ट जो होता है उसको खोद देंगे, उसका जो पानी है वो निकल आएंगे। सो हमें अच्छी तरीके से समझाया है। सो उसी तरीके से उसी हिसाब से आज 2 सर्जरी होने वाला है लेप्रोस्कोपी वाइज। सो अभी जाएंगे। घर में कोई मतलब राजी तो नहीं है, बोल रहा था अभी 10 point something mm है, बोल रहा था 20-25 mm होगा तभी करना, अभी 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 रहने दो, बाद में करना, ये करना वो करना, बाद में अगर दूसरा कुछ इतना सारा शरीर में प्रॉब्लम है मैं कैसे इतना दिन रह सकती हूँ, आप लोग खुद ही बताइए। 25 mm 20 mm हो तो मेरा पेट को काटना ही पड़ेगा, बिना काटे लेप्रोस्कोपी के थ्रू तो सब नहीं होगा, मुझे पता है शायद, क्योंकि पेट काटेंगे तो अगर काटेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगा, दूसरों को कुछ नहीं होगा। सो इस टाइम पे इमोशनली मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है घर से, घर वालों से, लेकिन जो मिल नहीं रहा है। सो चलिए, बोला है कि रूम
बुक करके मुझे एडमिट करा के काम ऑपरेशन वगैरह होने के बाद उसको इधर रख के आएंगे। देखते हैं क्या करते हैं, अगर ऑपरेशन करके अगर रूम में फेंक के अगर आना है तो आ जाएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कितना हो सकता है ब्लॉग अस्पताल में क्या ब्लॉग बनाऊँगी। सो यही, सो 10 तारीख को सर्जरी होगा, उसके बाद पता नहीं ब्लॉग कब दूँगी। थोड़ा सा जब आराम मिलेगा मैं दे दूँगी, ज़्यादा दिन यूट्यूब से दूर रहती हूँ तो होता है, बट हेल्थ फर्स्ट होता है। सो प्रॉब्लम क्या था आप लोगों को बता दिया, सर्जरी लैप्रोस्कोपी वाइज होगा। सो बाकी का मैं आपको आगे बताऊँगी, फिलहाल मुझे जाना है अस्पताल में, थोड़ा सा खाना खा के जाने के लिए बोला है। 11 बजे के बाद कोई भी पानी कोई भी खाना खाने के लिए मना किया है, एक ड्रॉप भी पानी खाना मना किया है। और मुझे 5:30 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे इवनिंग को, सो आज ही है इवनिंग को ऑपरेशन होगा। सो 5:30 बजे से देखते हैं। सो अभी हर्षिता को खाना वाना खिलाए, वो बहुत तंग कर रहा है। और अभी हम लोग पैकिंग वगैरह कर चुकी हूँ, मुझे सिर्फ ड्रेस चेंज करके लेकर जाना है अस्पताल, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन गाड़ी ख़राब होने के कारण अभी बहुत मुश्किल हो रहे हैं, बारिश भी हो रहा है मौसम। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या बोलूँ, जिसे सपोर्ट करते हैं वो होता है ना इस टाइम पे, जो कुछ लोग होता है ना जान, जो लोग जानने वाले हैं उनसे सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है, जो जिसे अनजाने लोगों से जितना सपोर्ट मिल रहा है। ज़्यादा ना करते हुए मिलते हैं अब लोगों को, अस्पताल जाती हूँ पहले, लेट हो रही हूँ। चलिए अस्पताल आके पहले हमने रूम बुक किया था, रूम बुक कर लिया, और आते नर्स दोनों आ गए थे मुझे अटेंड करने के लिए। ये दोनों शायद मेरे रूम के लिए हायर किया गया है। और अभी मुझे ड्रेस वगैरह चेंज करके आई, और आते ही शुरू कर दिया ये नीडल्स घुसाने का काम। चार लोगों ने 45 मिनट तक यूज करने के बाद चारों ने मिल के पकड़ के इसको घुसाया, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बार बार घुसा रहे थे निकाल रहे थे। वैन नहीं था उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। और उसके बाद ये जो एलर्जी वाला जो होता है ना, जिसको देते संग इतना पेन होता है कुछ करके। सो उसके बाद मुझे स्लाइन चल रहा 5 बजे तक, 5:30 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट होगा। और हम लोग वेट कर रहे थे पास में, ऑपरेशन रूम होने के वजह से इधर बहुत सारे लोग, इतना साउंड कर रहा था, मैं सो भी नहीं पा रही थी, और हाथ इतना पेन कर रहा था, और मेरे रूम में बार बार आ रहा था किसी का मिस कॉल, शायद कहीं फ़ोन लगाने के जा रहे थे, इधर आ रहा था मिस कॉल, इतना गुस्सा आ रहा था, सो भी नहीं पा रही थी ना रह पा रही थी, हार्ट भी पेन हो रहा था, मन में भी एक होता है ना डर सा। तो चलिए अभी मेरा बुलावा आ चुका है, मिलते हैं ऑपरेशन के बाद आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बताऊँगी क्या हुआ नहीं हुआ।